इसराइल के बॉर्डर पर गाजा पट्टी से कुछ मिनट की दूरी पर एक गांव है कफर राजा। इसराइल के बॉर्डर पर यह कई समृद्ध गांवों की तरह ही एक प्रमुख इलाका है। इस इलाके के म्यूजमू राजा सात मीव किन जैसे कई इलाकों में काम करने वालों की सबसे बड़ी तादाद गाजा पट्टी के वह लोग थे जो रोजी रोटी कमाने के लिए सीमा पार से इसराइल में आते थे। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी से इसराइल में औसतन 20,000 लोग रोजाना रोजी रोटी कमाने और अपने अन्य काम के सिलसिले में इसराइल आते थे। तकरीबन बीते डेढ़ दशक से गाजा पट्टी एक तरह से इसराइल के हाथ में ही थी, इसलिए इनका आना जाना सरकारी दस्तावेजों और कायदे कानून के तहत वैध था। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल में हमास ने जो सबसे बड़ा हमला किया है उसमें गाजा पट्टी से इसराइल आने जाने वाले ऐसे लोगों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, क्योंकि इन आने जाने वाले लोगों में से कई लोग हमास के खुफिया एजेंट भी थे और अंदर की सारी जानकारियां एकत्र कर हमले की बड़ी रूपरेखा तैयार करने में मदद भी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बीते तकरीबन डेढ़ दशक से गाजा पट्टी की प्रमुख व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं इसराइल के हाथ में ही थी। यही वजह है कि तमाम विवादों के बाद भी गाजा के लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इसराइल में अनुमति लेकर रोजाना आते जाते थे। गाजा से इसराइल आने वाले लोगों में वहाँ के लेबर क्लास के साथ साथ घरों में काम करने वाले और छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग शामिल थे। विदेशी मामलों के जानकार ले कर्नल सुरेंद्र आहूजा कहते हैं कि इसराइल और गाजा पट्टी में तनाव भले ही कितना हो, लेकिन इसराइल इस बात को भली भांति जानता था कि गाजा पट्टी के लोगों को विश्वास में लेकर अपने खुफिया तंत्र को भी वहाँ मजबूत करने का यही एक बहुत बड़ा जरिया था। यही वजह थी कि वहाँ के लोगों को इसराइल में आने की और यहाँ पर काम करने की अनुमति भी थी। जानकारी के मुताबिक जो लोग इसराइल के हिस्सों में काम करने आते थे वह सुबह आकर शाम को वापस भी लौट जाते थे, जबकि कुछ लोग विशेष अनुमति के साथ ही तय समय सीमा में रहकर वापस चले जाते थे। इसराइल और गाजा पट्टी के बॉर्डर की सीमा से इसराइल में आने वाले लोगों के आंकड़ों के मुताबिक औसतन 20,000 लोग रोज इसराइल के अलग अलग शहरों गांवों और इलाकों में आते थे। खुफिया एजेंसी और रक्षा मामलों से जुड़े लोगों का मानना है कि इन 20,000 लोगों में से आने वाले कई लोग हमास के खुफिया एजेंट भी होते थे, क्योंकि यह लोग अनुमति के साथ आते थे। ये व्यवस्था बीते कई सालों से लगातार चल रही थी, इसलिए सामान्य प्रक्रिया के तहत इन लोगों को बेरोक टोक अपने आवश्यक दस्तावेज दिखाने के साथ इसराइल में एंट्री दे दी जाती थी। जानकारी के मुताबिक ये वह लोग होते हैं जो इसराइल के लोगों के घरों में भी काम करते थे, उसके बाद उनके अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर कई जगहों पर मदद में हाथ बटाते थे। रक्षा मामलों से जुड़े जानकार और देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इसराइल इसी मामले में सबसे बड़ी चूक कर गया। उनका कहना है कि जो लोग गाजा से इसराइल लगातार आते थे उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको हमास ने अपना एजेंट बनाकर इसराइल के इलाकों में भेजना शुरू किया था। खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो ये लोग लगातार इसराइल आते जाते रहते थे, लेकिन जब हमास ने बड़े हमले की योजना बनाई तो इनका इस्तेमाल बतौर खुफिया एजेंट करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक इन 20,000 लोगों में से रोजाना कुछ लोग ऐसे फलिस्तीन के नागरिक होते थे जो हमास के लिए काम करते थे और यहाँ के गांव समेत आसपास के शहरों में जानकारियां एकत्र करके हमास के आतंकियों को देते थे। इन्हीं जानकारी के आधार पर हमास ने न सिर्फ यहाँ के गांव के भीतर घरों में बने बंकरों और अन्य अंदरूनी जानकारी को इकट्ठा किया, बल्कि सटीक हमला करके इसराइल में बड़ा नरसंहार करना शुरू कर दिया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि क्योंकि गाजा से आने जाने वालों की यह प्रक्रिया बीते कई सालों से चल रही थी, इसलिए इसराइल ने इन पर बहुत ज्यादा शक भी नहीं किया। यही लोग हमास के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बनकर इसराइल में आते और यहाँ की पूरी जानकारियाँ उनको साझा करते थे। देश के पूर्व विदेश सचिव अमरेंद्र कठुआ कहते हैं कि बीते तकरीबन डेढ़ दशक से इसराइल में